के बाद लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिनचर्या पर चिकित्सकों की सलाह ने बंदिशें लगा रखी हैं। अब उनसे मुलाकात का दायरा सीमित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने फरियादियों से मिलने के सप्ताह में 2 दिन तय किए हैं और यह भी अवधि 2 घंटे की है, लेकिन इस अवधि के दौरान बड़ी तादाद में प्रदेश भर से लोग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात को पहुंचने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों की सलाह को देखते हुए अब अधिकारी और मुख्यमंत्री के सलाहकार शेड्यूल में बदलाव की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अफसर प्लान बना रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री को जनता से बातचीत करना है, संवाद करना है। दरअसल बहुत ज्यादा संख्या में लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच रहे हैं और जनसंवाद का ये कार्यक्रम रहता है। मुख्यमंत्री से मुलाकात का ये सिलसिला बेहद बड़ी तेजी से चलता है। बहरहाल अब मुख्यमंत्री दिल्ली में भर्ती थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इसके बाद जब तबीयत ठीक हुई, थोड़ी राहत हुई, तो डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा वर्कलोड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा वर्कलोड होगा तो काम आप करिएगा। और इन्हीं सब बातों का भी फिलहाल ख्याल रखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैसे जनता से रूबरू हों। दरअसल इतना टाइट शेड्यूल रहता है और जिसके बाद स्थिति बेहद ही खराब हो जाती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कामेश्वर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कामेश्वर, मुख्यमंत्री के शेड्यूल में तब्दीली की जा रही है कि बहुत ज्यादा अब लोग नहीं मिलेंगे, कुछ लिमिटेशन होंगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो तबीयत बिगड़ी थी वो 5 अक्टूबर को थी, जिसके पश्चात 30 घंटे तक उनका उपचार प्रदेश के बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एजेंसी में चला। उसके पश्चात वह 16 दिन के लिए एम्स में भर्ती, उसके ऐसे ही वो दिखी है वो देखा गया कि जिस तरीके से दीपावली में भी एक बड़े अस्पताल के साथ जाता था उसमें भी उन्होंने भाग लिया जी। एम्स उपचार के बाद जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उस पर डॉक्टरों की सलाह ने बंदिश लगा दी है। अब उनके मुलाकात का जो दायरा है सीमित हो गया है। मुख्यमंत्री फरीदपुर से मिलने का सप्ताह में 2 दिन तय किए और यह अवधि 2 घंटे के लिए है, लेकिन अवधि के दौरान प्रदेश भर से लोग मुख्यमंत्री आवास ओकओवर में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात को पहुंचने वालों की बढ़ती संख्या और डॉक्टरों की सलाह को देखते हुए अब अधिकारी और मुख्यमंत्री सलाहकार खासकर शेड्यूल में बदलाव तलाशी जा रही है। ऐसे में लगभग सप्ताह में 2 दिन ही जो जनता है वह उसे मिल सकती है और दो सप्ताह में भी 2 घंटे का ही समय लगता है। कमिश्नर, अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री सुक्खू की टीम की, तो टीम क्या मुख्यमंत्री जब उपलब्ध नहीं रहेंगे टीम के लोग कैसे इसको डील करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि हर जगह पर कहीं साइन जो है वो मुख्यमंत्री का ही चाहिए होता है, यहाँ जहां मुख्यमंत्री की जरूरत होगी क्या उस समय उनके पास जाया जाएगा या उसको अभी पेंडिंग रखा जाएगा? मुख्यमंत्री वो टेस्ट में है, बिल्कुल जो मंत्री है जो सीपीएस मुख्य संसदीय सचिव उनके साथ लगातार वो व्हाट्सएप के माध्यम से चेकअप है, जहाँ सिग्नेचर की बात है वहां पर जो अधिकारी है जो फाइलें है जो सरकारी फाइलें है वो सीधा जो आवश्यक जिसमें मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक रहते हैं उन फाइलों में मुख्यमंत्री टच में वो कैबिनेट मंत्री और साथ ही जो सीपीएस उनके साथ टच में और लगातार खासकर जो 18 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है लगभग लिमिटेड समय के लिए बुलाई गई है और आवश्यक महत्वपूर्ण क्योंकि मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं इसको लेकर कोई भी कैबिनेट नहीं हुई है। ऐसे में कैबिनेट बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री बहुत ही आवश्यक कार्य पर ही सत्य वाले आ रहे हैं और अधिकांश जो कार्य है वो घर से ही कर रहे हैं क्योंकि निजी निर्देश खासकर जो अधिकारी वो बच्चों की सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का वहीं जाकर जो सरकारी काम बिल्कुल। कामेश्वरी, कितने दिन तक अभी बेड रेस्ट बोला गया है मुख्यमंत्री को, ये ऐसे कितने दिन तक ऐसे काम चलेगा? तो एम्स के विशेषज्ञों ने बताया कि खासकर 2 महीने तक मुख्यमंत्री को आराम के सख्त निर्देश है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है पूरा डॉक्टर का पालन
आपको बता देना था कि उसको ये पिछली बार वो लखनऊ के विधायक थे, यानी कि भाजपा सरकार की, और वो विधायक थे तभी वो विधानसभा में उपस्थित नहीं हो सके थे। और अगर हम 30 सितंबर की बात करें इसी वर्ष की, तो उस दौरान भी चंडीगढ़ में ऑपरेशन चला और 3 दिन तक की सलाह दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो उनकी तबीयत अत्यधिक बिगड़ गई है। अब ऐसे में खासकर जो एम्स के डॉक्टर हैं विशेषज्ञों ने खासकर कहा कि उन्हें बुक रेस्ट लेने की जरूरत है, जिसको मद्देनजर से मुख्यमंत्री डॉक्टर का पालन करें, ऐसे में 2 माह तक जो ये रेस्ट। चलिए कामेश्वर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।